चलो कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर। आपको कुछ पैराग्राफ में डाउट आया था, तो डाउट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार आपका डाउट खोल लेते हैं, क्या डाउट है आपका, क्या नहीं है। आज की वीडियो जब आपने रिकॉर्ड करी सर, मेरे को एक ये डाउट था, ये पेज नंबर 42 पर ये जो हमारा टेम्परेचर वाला जो है, इसके अंदर सर ये जो सेकंड वाला पैरा है डिक्रीज इन टेम्परेचर वाला, सर ये बारी मतलब मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया, क्योंकि सर ऊपर हम ये चीज कह रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो उससे सॉल्युबिलिटी एस्केप हो जाती है, लेकिन सर अब अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर सर फिज कम क्यों आती है, ज्यादा क्यों नहीं आती, क्योंकि ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो आपने बोला सॉल्युबिलिटी एस्केप है, सॉल्युबिलिटी एस्केप नहीं होती, चलो छोड़ो, गैस एस्केप होती है। ऊपर वाले में टेम्परेचर बढ़ता है और जब सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है तो गैस अंदर डिजोल्व भी नहीं हो पाती, तो गैस अगर वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगी तो गैस एस्केप होती है ना कि सॉल्युबिलिटी। एक तो आपने क्वेश्चन में थोड़ा गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, पर मैं आपका डाउट समझ गया। अब आपका डाउट है कि सर, एक तो आपने पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेते तो आपको ये नहीं, तो ये डाउट नहीं आता, पर उस पैराग्राफ को पढ़ा ही नहीं रहा। मैं ये वाला पैराग्राफ को पढ़ा रहा हूँ और देखो समझ में आएगा लॉजिकली क्या लिखा है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर में जब डिक्रीज आता है, वाटर का टेम्परेचर की बात करें भी होता है, ठीक है? वाटर अगर हम ठंडा कर दें तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ, वो कह रहा है कि वाटर का अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो वाटर की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है क्या? नहीं, अगर वाटर का अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस की जो सॉलिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है वाटर के अंदर। वाटर की सॉलिबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब वॉल्यूम पे वाटर की कुछ पड़ता है, तो ये हम बात ही उसकी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसकी सॉल्यूट की, जो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट की जो सॉलिबिलिटी वो बढ़ जाती है अगर हम वाटर का टेम्परेचर कम करें। अब वो सॉल्यूट कौन सा? गैस है। अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉलिबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है सर? जो गैस होगी वो गैस पानी के अंदर जा पाएगी, वो गैस पानी के अंदर जा पाएगी और जाके कहाँ पे डिजोल्व होगी? तो जो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे, जितना भी एम्प्टी स्पेस बचा होगा, जितना भी एम्प्टी वॉल्यूम होगा वहाँ पर जाकर बैठ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर आपने वाटर कम कर दिया, गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ गई, गैस की सॉलिबिलिटी मतलब कहीं पर इजिली डिजोल्व हो पाए, तो ये तो वाटर में कहीं पर जाकर इजिली डिजोल्व हो जाएगी, आपको दिखाई ही नहीं देगी, दिखाई ही नहीं देगी, बहुत कम दिखाई देगी, बहुत कम दिखाई देगी, तब भी तो फिज कम आएगा। फिज का मतलब ही नहीं पता आपको, फिज का मतलब क्या है यहाँ पे? फिज का मतलब झागसा होता है, आप बोतलों को हिलाते हो तो झाग से बनते हैं, बबल से बनते हैं, ये उन बबल्स की बात कर रहा है सर। बबल्स कब बनते हैं? जब गैस ज्यादा हो, जब गैस डिजोल्व ना हो पाए, जब गैस को बाहर जाना हो, पर यहाँ पे गैस बाहर थोड़ी जा रही है। बबल्स कैसे बनते हैं? बबल्स बाहर भागने के लिए बनते हैं ना, लेकिन यहाँ पे गैस सॉल्यूबल है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व होना चाह रही है, ये वाटर के अंदर जाने की अंदर जाना चाह रही है, वाटर से बाहर नहीं, ये वाटर के अंदर जाना चाह रही है, अंदर, ठीक है? जब हम टेम्प जब वाटर गैस की सॉलिबिलिटी बढ़े, गैस की सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, ये पूरी कोशिश करेगी वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व होने की, यानी वाटर के अंदर जाएगी, अंदर जितनी जा पाएगी चली जाएगी, थोड़ी बहुत ऐसी होगी जो नहीं जा पाए तो बस, अब वो थोड़ी बहुत गैस बाहर आ जाएगी, तो बस वो थोड़ी बहुत गैस क्या करेगी, बबल्स बनाएगी, ठीक है? ये लिखा हुआ है, समझ आया आपको? और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, क्या कह रहा हुआ है, अगर छोड़ो यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, मतलब है तो लिखा काम का, पर छोड़ो उसे, तो आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या, कोई चीज डिसॉल्व होने के लिए कितनी कोशिश कर पाएगी, कितनी ज्यादा पावर लगा पाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा पावर लगा पाएगी, यहाँ पर ज्यादा पावर लगा पाएगी, तो ज्यादा पावर लगा पाएगी तो उससे क्या होगा, ठीक है? ठीक है, तो ज्यादा पावर लगा पाएगी, अब ज्यादा पावर लगा पाएगी उससे क्या होगा, तो वो पानी के अंदर पानी से बहुत ज्यादा लड़ाई करेगी, पानी से बहुत ज्यादा लड़ाई करेगी, लड़ाई करेगी कि उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, डिजोल्व हो जाए, डिजोल्व हो जाए, और अल्टीमेटली वो डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी बहुत गैस ऐसी रह जाएगी जो नहीं हो पाएगी डिजोल्व, और जो नहीं रह पाएगी तो थोड़ी बहुत ही है, वो थोड़ी बहुत ही है, जो क्या होगा, एज अ फिज एज अ गैस बाहर आ जाएगी, एज अ फिज एज अ गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है? और अगर सर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते तो सर गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाती, गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाती तो सर गैस पानी के अंदर जा नहीं पाती, पानी के अंदर नहीं जा पाती, तो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है एज अ गैस, एज अ फिज। समझ आया आपको? क्या डाउट्स आपको क्लियर हो गया? आई थिंक
अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने, एफोरेंस वाली पढ़ ली थी, एक फेनोमेनन था, ठीक है। एक डेलिंग डेलिक क्वेश्चंस पढ़ते हैं। डेलिक डेलिक सेंस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वर्ड में समझ नहीं आ रही है। डेलिक सेंस, ठीक है, कुछ प्रोनाउंस प्रोनाउंस कर लो, कैसे भी मीनिंग को समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। क्या कह रहा है, कितना रहेगा इसका रहेगा, जरा मैं देख लूँ एक बार ताकि थोड़ा आइडिया रहे। एक दो दो पेज है, ठीक है। क्या कह रहा है, सर्टेन वाटर, सर्टेन वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, वो कह रहे हैं कुछ सर्टेन वाटर, एक पानी का एक सर्टेन हिस्सा होता है जो क्या होता है, सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस पढ़ते के लिए हुए, सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, हाँ ये कह रहा है, कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है। रिकॉर्डिंग हो रही है, सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसको एटमॉस्फेयर में खोला जाता है उनके नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो क्या करते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। ओहो सर, ये सोल्यूबल है तो क्या करते हैं, ये तो सोल्यूबल है तो डिजॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो ये बाहर से क्या कर रहे हैं, तो बाहर से वाटर ले रहे हैं, तो बाहर से मॉइस्चर को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकम्स मॉइस्ट, और खुद गीले हो जाते हैं, खुद गीले हो जाते हैं। सही है, बाहर का पानी अगर अपने ऊपर ले लेंगे तो गीले हो जाएंगे, लूज देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म, और अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म को खो देते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिजॉल्व इन सच एब्जॉर्ब वाटर, और वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर कह रहे हैं सच अ सब्सटेंस कॉल्ड अ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो कैसे सब्सटेंसेस को, ऐसे सर्टेन वॉल्यूम सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, और जो फेनोमेनन होता है, जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंसी, 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 ठीक है, समझ में आया क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा फिर मैं समझ जाता हूँ। डेलिक्वेसेंस अकर व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज वेरी लो, व्हेन वेपर प्रेशर इज व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज वेरी लो, ठीक है, कंपेयर टू वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेरिक एयर, दूसरा डेलिक्वेसेंस इज मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ वाटर के, कुछ वाटर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब क्या, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो पता है वो क्या करते हैं, जब उनको खुला छोड़ा जाता है एटमोसफेयर में, है ना, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एटमोसफेरिक एयर से सारा का सारा वाटर क्या करते हैं, मॉइस्चर जो है सारे के सारे, वो थोड़ा बहुत कितना वो कर सकते हैं, उतना मॉइस्चर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और खुद गीले हो जाते हैं, खुद गीले होकर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिजॉल्व होकर वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है, एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जो सैचुरेटेड होता है, जो कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है। तो वो कह रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जो ऐसे चीज़ें कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, डेलिक्वेशन सब्सटेंस बोलते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इन सब्सटेंसेस की स्टार्टिंग से लास्ट तक, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेलिक्वेशन से बोलते हैं। तो कह रहे हैं जो डेलिकेशन सी जो होती है, ये कब होती है, इट अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर प्रेशर प्रेजेंट इन एटमोस्फेरिक एयर, ठीक है। वो कह रहे हैं बहुत, तो ये वाली जो एक्टिविटी है ना, वो कब होती है, जब हमारे अंदर तो वेपर प्रेशर कम है लेकिन एटमोसफेयर में वो ज़्यादा है, इसी वजह से ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा कब होती है, एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक एयर ज्यादा हो लेकिन ड्राई ड्राई कंडीशन जब होती है, ड्राई कंडीशन में वेपर प्रेशर कम होता है, तो वो लिखा हुआ है जैसे डेलिक्वेसेंस इज मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, जब ड्राई कंडीशन होती है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये डेलिक्वेसेंस कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये कुछ दे रहे हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, कास्टिक सोडा एन ए ओ एच, एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, कास्टिक पोटास के ओ एच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अच्छा ये कुछ सब्सटेंस के नाम बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहा है, कोई प्रोसेस में नहीं दे रहा है, ये कुछ सब्सटेंस के नाम बता रहा है जो कैसे होते हैं,
जो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होते हैं उनके नाम दे रहे हैं, ठीक है। नोटो, टेबल सॉल्ट, टेंसर मॉइस्ट, टेंसर मॉइस्ट एंड अल्टीमेटली फॉर्म द सॉल्यूशन और एक्सपोजर टू एयर स्पेशली ड्यूरिंग एडिशन, ठीक है। दो प्योर सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ डेलिक्वेसेंट, द कमर्शियल वर्जन ऑफ सॉल्ट कंटेंस इंप्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड व्हिच आर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। दिस काइंड ऑफ इंप्योरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग अ करंट ऑफ डाइहाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द अफेक्टेड सॉल्ट। प्योर सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रेसिपिटेट व्हिच कैन बी रिकवर्ड बाय फिल्टरिंग एंड वॉशिंग फर्स्ट विद अ लिटिल वाटर एंड फाइनली विद एल्कोहल। क्या कह रहा है बेसिकली, वो कह रहा है कि अगर हम सोडियम की बात करें, सिंपल सोडियम की, प्योर सोडियम की, तो वो ना वो एससी वो है ना डेलिक्वेसेंट नहीं होता। अगर हम प्योर सब्सटेंस प्योर सोडियम की बात करें, प्योर सॉल्ट की बात करें, तो उसके वो ऐसा नहीं करता। लेकिन टेबल सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बेसिकली आप इसको कह सकते हो जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक फीचर होता है, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, क्या कि अगर हम इसको खुले में छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, तो ये भी पता है क्या करेगा, बाहर के एटमोसफेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद गीला होकर एक सॉल्यूशन बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। स्पेशली कब होता है, सीलन के माहौल में, यानी रेनी सीजन में, ठीक है। तो मेरी खबर दो प्योर सोडियम क्लोराइड इज नॉट डेलिक्वेसेंट, जो प्योर सोडियम क्लोराइड होगा वो डेलिक्वेसेंट नहीं होता, पर जो सोडियम क्लोराइड होता है जो हम बेसिक खाते हैं, टेबल सॉल्ट जो होता है बेसिकली, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ इम्प्योरिटीज, सब इम्प्योरिटीज कौन सी वाली होती है, इन सब्सटेंसेस की इम्प्योरिटीज होती है। इन सब्सटेंसेस के फीचर्स उसके अंदर क्या हो जाते, कंबाइन हो जाते हैं, और वही फीचर्स बेसिकली जो है क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो वो लिखा हुआ है, दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटी कैन बी, सब वो लिखा हुआ, सॉरी, द कमर्शियल वर्जन ऑफ सॉल्ट कंटेंस इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड विच आर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी वजह से होती है। दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटी कैन बी, वो कह रहे हैं इस तरह की इम्प्योरिटीज को हटा भी सकते हो, इस तरह की इम्प्योरिटीज को हटा भी सकते हो कैसे, बाय पासिंग अ करंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एक हाइड्रोजन गैस उस पर क्या करो लगाओ, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द अफेक्टेड सॉल्ट, रेडियस सॉल्ट से जो सॉल्यूशन बन चुका है उस सॉल्यूशन पे क्या करो, गैस छोड़ो वाले, ठीक है, उससे ये हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है प्योर सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रेसिपिटेट, अब वो कह रहा है प्योर सोडियम जो होता है वो कैसे बनता है, वो कह रहा है वो तो केवल प्रेसिपिटेशन की वजह से बनता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर करते हैं बाय फिल्टर करके, बाय वॉशिंग करके, बाय इसको वॉश करके, और थोड़ा बहुत पानी से, थोड़ा बहुत एल्कोहल से हम इसको क्या करते थे, वॉश करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था। हाइग्रोस्कोपी, हाइग्रोस्कोपी, हैग्रो से बोल सकते हैं, हीग्रो से बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन का एग्जैक्ट ये नहीं पता मुझे, हाँ पर मीनिंग हम समझ लेते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी ऊपर भी पढ़े थे हमने कुछ वाटर वेपर है ना फ्रॉम द एटमोसफियर व्हेन दे आर एक्सपोज टू इट, बट नॉट इनफ टू फॉर्म सॉल्यूशन, हाँ, बट सर वो इतने ज्यादा, इतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते कि सॉल्यूशन बना पाए। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो तो सॉल्यूशन बना लेते थे, वो तो क्या बना लेते थे, सॉल्यूशन बना लेते थे, पर ये थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब कर पाते कि सॉल्यूशन नहीं बना पाते, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे बिग सब्सटेंसेस को क्या बोलता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर, कौन का सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विक लाइम, सिलिका, सिलिका गेज जेल, ठीक है, ये कुछ सब्सटेंसेस है इसके एग्जांपल। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के बाद टेंडेंस टू टेक अप मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, इनकी आदत होती है, टेंडेंस होता है कि हाई हैबिट में होना है रिचुअल, इनकी आदत होती है, इनकी आदत होती है कि वो मॉइस्चर को ले एयर से, ठीक है। हाउएवर दे कैन बी इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये सब्सटेंसेस है, ये चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे लिक्विड स्टेट हो, ये लेती ही एयर से मॉइस्चर, ठीक है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है किसी डिफरेंस, ड्राई एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, सर ये क्या होते हैं, ड्राई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं, तो पढ़ जा रहे करके,
ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस, ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस विदाउट केमिकल रिएक्टिंग विद देम। यानी ऐसे सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, लगातार क्या कर सके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, लगातार मॉइस्चर को दूसरे सब्सटेंस से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके बिना किसी केमिकल चेंज के, बिना किसी केमिकल फ्यूजन के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनीहाइड्रस जिंक क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ड्राई सोडियम सल्फेट, एसिटोन यूज टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड डेसिकेंट और डेसिकेटिंग एजेंट्स, इनको डेसिकेंट डेसिकेटिंग एजेंट भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर डेसिकेटिंग एजेंट्स, वो क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम भरोसा नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ऑलमोस्ट ऑल ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर डिसाइडिंग एजेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस यूनिवर्सिटी का, मतलब पता नहीं क्या, सल्फर कैसे, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड और सिलिका जेल विकला, ये सारे इन्होंने ड्राइंग एजेंट्स के नाम दे दिए। ठीक है, अब इधर अनड्राइटिंग डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन रिमूव इवन रिमूव रिमूव इन द केमिकली कम्बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंपाउंड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से, कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी कंपाउंड में से क्या कर सकें, वाटर निकाल सकें, वाटर रिमूव कर सकें, ऐसा कुछ कर सकते तो बताना। ठीक है, मतलब बताना कि ऐसा अगर कोई कर सकता है तो ऐसा कंपाउंड में डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बोलेंगे। और बताना तो देख लो लिखे हुए बुक में सी वैसे सल्फर कैसे लिखा हुआ है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होता है, एजेंट कैन रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विट्रोल। ठीक है, विट्रोल का फॉर्म, विट्रोल का फॉर्मूला लिख लो, नीचे कुछ दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट दिया हुआ है नीचे, CuSO4 प्लस 5H2O, इसमें प्लस H2O मिला दिए। ठीक है, तो इसको क्या बना, इससे कुछ ना बहुत अलग ही रहा और ब्लू से वाइट हो गया, ब्लू से वाइट हो गया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कैन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, वो कह रहा है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 2:1 के रेशियो बांटेंगे। मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम हटा रहे हैं तो ऑक्सीजन 1 ग्राम हटाएंगे, अगर हाइड्रोजन 4 ग्राम हटा रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 ग्राम हटाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला कैन शुगर, इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि ये ग्लूकोज का, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला था, ग्लूकोज का शुगर ही बोलते हैं। ठीक है, सी वाला H1O11, तो क्या बोला ये बनेंगे 2:1 के रेशियो में, हाइड्रोजन के अगर 2 जा रहे हैं तो उसका 1 जाएगा, तो हाइड्रोजन में से अगर हमने यानी आधा आधा बोल दो, जितना असर आधा क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, जितना रिमूव हाइड्रोजन का करोगे तो आधा आपको किसका करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। तो ऐसे आपके हाइड्रोजन में देखो 22, तो 22 का आपने क्या कर दिया, 22 ही लेने दिया, कहाँ रिमूव किया उन्होंने, अच्छा इन्होंने वाटर को अलग कर डाला, इन्होंने क्या कर डाला, वाटर को अलग कर डाला। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वाटर को अलग कर डाला, ठीक है, वाटर को अलग कर डाला, और देखो वाटर में देखोगे ना वाटर के सब्सटेंस जो 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में क्या है, 11:22, ये मुझे कहना कि पहले ऐसा नहीं, पहले चेक कर मैं देखूँ नया रेशियो कैसा है, फिर डबल डेसिमल, फिर 11 का 0 से ओ से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 1 1 3 हो गया 11, 11 1 11, 11 2 2, 2:1 का रेशियो भी मेंटेन है। हाँ तो ये ठीक है, सब मोर डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है एल्यूमिनियम एल्यूमिना एंड फास्फोरस पेंटोक्साइड। ठीक है, कुछ ऐसे भी है, गैस का ड्राइड में, गैस का ड्राइड में गैस को सुखाया जाता है। हाँ तो गैस को कैसे सुखाया जाता है, पासिंग द गैस थ्रू कंक सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज कंक्लिक एसिड
has a strong affinity for water, so it can easily extract water from many substances. पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, पढ़ते आगे. कनक सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू ड्राई गैसेस विच आर एसिडिक इन नेचर लाइक हाइड्रोजन लाइक क्लोराइड गैस. ठीक है. पासिंग देम थ्रू अ ड्राइंग टावर और ट्यूब कंटेनिंग टू कुक लाइम और एनहाइड्रा सोडियम सल्फेट एंड. ठीक है, आपको गली वाली देख लेना. ठीक है, तो कह रहा है अ ड्राइंग बल्ब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, एक बल्ब है जो क्या ऐसा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. पता नहीं क्या लिखा है सर, देखते हैं अभी. क्विक लाइम बीइंग बेसिक नेचर इज सूटेबल फॉर ड्राइंग एनएसजी अ बेसिक गैस अ बेसिक गैस विल नॉट रिएक्ट विद द गैस. ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. 2 मिनट आप ज़्यादा, ये 3 पॉइंट जोर से पढ़ो, मैं पानी पीकर आता हूँ. ठीक है. कंटिन्यू करते हैं ना. एक्चुअली आज आपको मेरा साउंड थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा रिजल्ट लग रहा होगा, वो एक्चुअली कोल्ड हो गया है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहा है. ठीक है, तो थोड़ा आपको साउंड थोड़ा थोड़ा हार्ड लग सकता है, मेरा हार्श लग सकता है. ठीक है, क्या कह रहा है, गैसेस को इससे ड्राई किया जा सकता है. तो वो कह रहा है गैसेस को ड्राई किया जा सकता है कुछ इस तरह का एसिड यूज करके, बिकॉज ये तो एसिड होता है ना, इसके बाद स्टोन को एफिनिटी होती है, एफिनिटी फॉर वाटर, एफिनिटी फॉर वाटर. तो एक वर्ड आया यहाँ पे एफिनिटी, एक वर्ड यहाँ पर आया एफिनिटी. सोचो क्या होता होगा सर, खेलिए कभी, खेलिए कभी, देखो पढ़ा तो होगा, ऐसा थोड़ी क्या पढ़ा नहीं होगा. वर्ड एफिनिटी सर, इन्फिनिटी का भाई है क्या ये. एफिनिटी देखो क्या होता है, एफिनिटी का मतलब बताओ मेरे को, नहीं पता आपको एफिनिटी का मीनिंग नहीं पता है, ये बहुत ऐसा वर्ड है, ये तो आपको पता होना चाहिए था. कैसा था फिर आपको, मैं पैरिटी वर्ड पता है, पैरिटी क्या था, पैरिटी इसकी और मेरी पैरिटी बहुत अच्छी है. ये वर्ड यूज नहीं करते, मेरी और इसकी पैरिटी बहुत अच्छी है, तालमेल आत्मीयता कह सकते हो, इसको कनेक्शन लिख सकते हो, कनेक्शन रख लो, कनेक्शन. वो कह रहा है ये वाला एसिड है ना, एसिड इसके ना इसका कनेक्शन वाटर से, वाटर से बहुत अच्छी है, वाटर से बहुत अच्छी है. ठीक है, इसलिए ये इजीली गैसेस वाटर सारे सब्सटेंसेस में से, तो इस तरह से क्या होता है गैस सूख जाती है, तो गैस में से पानी वाला पोर्शन तो निकलेगा, गैस में होता क्या, वाटर ही तो होता है बेसिकली, वाटर की एक फॉर्म चेंज हो जाती है, तो ये उस फॉर्म को भी निकाल ही लेता है. तो बेचारी हमारी गैस सूख जाती है, गैस सूख जाती है. ठीक है, फिर कह रहा है ये जो एसिड है ना, ये यूज टू ड्राई गैस विच आर एसिडिक नेचर.
और उसको पता है ऐसी गैसेस को ट्रैक करने में यूज किया जाता है एसिड को भी, जो गैसेस कैसी हो जो एसिडिक हो, जो कैसी हो एसिडिक हो, एसिड मतलब जो एसिड हाइड्रोजन उसका, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया HCl, है ना। तो ऐसी गैसेस के केस में ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह की गैस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। अब वो कह रहे हैं पासिंग देम फ्रॉम अ पासिंग देम थ्रू अ ड्राई टावर और अ ड्यूब कंटेनिंग क्विकलाइम और एनी हाइड्रेट सोडियम सल्फेट। एक दूसरा तरीका ऐसा है कि आप उसको एक यूट्यूब शेप में क्या करके दो, क्विकलाइम डाल दो उसके अंदर, एनी हाइड्रेट कोई भी सोडियम सल्फेट डाल दो उसके अंदर से, आप उस गैस को पास करो, उसके अंदर से आप गैस को क्या करो पास करो। अगर से गैस को पास करो तो गैस सोख ही जाएगी, गैस ड्राई हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका है, एक कह रहे हैं बल्ब वाला, एक तरीका ये बता रहे हैं बल्ब वाला, अ ड्राइंग बल्ब कंटेनिंग एनी हाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड। अब ये क्या कह रहा है, ये तो कुछ नहीं कह रहा, बस यहाँ पे कह रहा है एक ड्राइंग बल्ब का यूज कर सकते हो जिसके अंदर क्या हो कैल्शियम क्लोराइड हो, आप उसका कैल्शियम क्लोराइड हो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे कह रहे कुछ नहीं बताया, क्विकलाइम कह रहा है क्विकलाइम बींग बेसिक इन नेचर सूटेबल फॉर ड्राइंग एनएसटी। वो कह रहा है क्विकलाइम का जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, वो सूटेबल है किसके लिए, अमोनिया के लिए। सर अमोनिया का लिखा है एनएसटी, एनएसटी होता है अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस को सुखाने के लिए तो बेटर रहता है क्विकलाइम, है ना, बेसिक गैस, ठीक है। वो कह रहा है बेसिक गैस विल नॉट रिएक्ट विद द बेसिक फिगर, रिएक्ट विद द बेस। वो कह रहा है बेसिक गैस मतलब क्या है, जो एनएसटी एनएसटी है, एनएसटी का बेस कोई चेंज नहीं होगा, उसका कोई भी उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, बस ही रखा हुआ है। लिक्विड सा ड्राइड, सर लिक्विड कैसे ड्राई होगा, लिक्विड को ड्राई करने के बहुत तरीके, वो लिखा हुआ है, देखते हैं लिखा हुआ है। लिक्विड ड्राइड बाय कीपिंग देम ओवरनाइट ओवर एनी हाइड्रेशन सोडियम, क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एटून टेम्परेचर। वो क्या है, आपको किसी लिक्विड को सुखाना है तो आप उनको एक रात के लिए इन एनी हाइड्रेट सब्सटेंसेस के ऊपर रख दो एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जो सॉलिड जो होगा ना, सॉलिड को सॉलिड ही क्या हो जाएगा, इज रिमूव्ड बाय, है ना, तो इसको लिक्विड अलग हो जाएगा और सॉलिड को अलग करना, सॉलिड को सॉलिड के लिए उन्होंने अलग से तरीके बता दिया कि सॉलिड को आप अलग से अलग कर लो किसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उससे आप सॉलिड को अलग कर लो, यानी एक से दो काम कर लो। फिर दोबारा से लिखा हुआ ऐसे तो सॉलिड अलग हो जाएगा, लेकिन आप सॉलिड को भी सुखा दो तो कैसे सुखाओगे, तो कैसे सॉलिड को भी सुखा सकते हो, बाय स्प्रेडिंग, उनको फैला फैला के रखो, उनको फैला फैला के रखो ना, वॉश ग्लास, वॉश ग्लास पर रखो, रख लो, और एक से डिश में भी रखे तो बर्तन वगैरह में, एंड कीपिंग इट इन अ डेसिकेटर, डेसिकेटर, डेसिकेटर फॉर समडे। डेसिकेटर क्या होता है, अभी पढ़ा था, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ड्राइंग एजेंट्स के पास उसको रख दो, ड्राइंग एजेंट्स को भी सब दो, तो हम उसको क्या रख देंगे, ड्राई कर देंगे, ड्राइंग एजेंट्स का काम नहीं करता ड्राई करना। अभी बता भी रहे डेसिकेटर होता क्या, डेसिकेटर इज एयर टाइट ग्लास होता है, सर ये तो सॉरी बता रहे हैं, हाँ ये टेक्निकल लैंग्वेज बता रहे हैं बेसिकली। तो क्या डेसिकेटर इज एयर टाइट ग्लास वेसल, एक एयर टाइट क्या होता है, ग्लास वेसल होता है विद अ सूटेबल ड्राइंग एजेंट, जिसके अंदर ड्राइंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसे उसका नाम बता रहे हैं, ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है, एनी हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, प्लेस एट द बॉटम, जो बिल्कुल बॉटम में होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर ड्राइंग द सॉलिड से प्लेस इन इट, और जो उसको ड्राई करता है, जो उस सॉलिड को ड्राई करता है उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, बस ये लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है टेबल, डिस्कस सब इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि चैप्टर में देख थोड़े बहुत होते हैं। ड्राइंग और डेसिकेंट एजेंट और रीहाइड्रेटिंग एजेंट के बीच में डिफरेंस है, तीनों का बेस बोलते हैं। पहला क्या कहना है, ये क्या करते हैं मॉइस्चर को, और ये क्या करते हैं रिमूव करते हैं केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ वाटर को, है ना, जिस वाटर को अलग करते हैं, ठीक है। इधर रेस ऑफ लिखा हुआ है फ्रॉम अ फंबो, ठीक है, ये बात अलग 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 है कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। दे आर यूज्ड टू ड्राई लाइक ड्राई गैसेस लाइक क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। और इनका यूज कैसे किया जाता है, गैस को ड्राई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनका यूज किसके लिए किया जाता है, टू प्रिपेयर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है, चारकोल एटसेट्रा, ठीक है। तो लिखा हुआ दे आर ऑल्सो यूज इन डेसिकेटर्स टू कीप सब्सटेंसेस ड्राई, इनका यूज गैस को ड्राई करने में तो किया भी जाता है, किसी और सब्सटेंस को ड्राई करने में भी, यानी कि सॉलिड वगैरह को भी ड्राई रखने में किया जाता है। फिर थोड़ा मेथड बता रहे हैं, फिर थोड़ा मेथड बता रहे हैं कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा क्या क्या डिहाइड्रेट किया तो ये ऐसा बन गया, सी ओ अलग, एस टू ओ अलग, ऐसा शुगर वाला किया तो ये अलग, ठीक है। दे रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज एज कम्पोजिशन एज कम्पोजिशन रूल ऑफ सक्सेस, ड्राइंग ऑफ सक्सेस, कह रहे हैं दे रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज, ड्राइंग एजेंट क्या कर देते हैं, ड्राइंग एजेंट की वजह से जो फर्क पड़ता है उससे फिजिकली चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंज आ जाता है हमारे कम्पोजिशन में, और डिहाइड्रेट करने से उनका उनमें केमिकल चेंज आते हैं, क्या था केमिकल चेंज,
एज न्यू सक्सेस या सॉल्व करना पे लिखा हुआ है कि चेंज एज कंपोजिशन डू नॉट चेंज फिजिकल एज कंपोजिशन चेंज. अच्छा कंपोजिशन चेंज नहीं होता बस फिजिक तो उसका चेंज हो जाता है ठीक है ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ सक्सेस जब उसको ड्राई कर रहे होते होता. एग्जाम्पल दे रहे हैं फास्ट साइड फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड कनकर सल्फरिक एसिड ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ये दोनों का एग्जाम्पल है ठीक है. उसके क्वेश्चन से एक बार मैं डिस्कस कर लूँगा थोड़ा बहुत. हाउ कैन यू सोच रही थी सिक्स वट वुड यू ऑब्जर्व वेर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब स्ट्रॉन्गली. क्रिस्टल्स को हीट करोगे तब क्या होगा क्या होंगे मेल्ट होंगे क्या होंगे मेल्ट होंगे आपको पता लगा रहा है. आई थिंक इजी है कल वाली वीडियो से हो जाता है ठीक है. वेर आर सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड एयर एक्सपेल्ड टू मोस्ट एयर ठीक है एंड डिजॉल्व्स इन द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड टर्न इनटू अ सॉल्यूशन. ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है देख लेना ड्राइंग एजेंट वगैरह क्या कहा जाता है इनको मुझे नहीं पता क्या नाम कर दिया जाता है. थोड़ी ईजी है ये आप खुद कर सकते हो. वेर आर सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट डज नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन. अरे यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म ही करा जैसे उनको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. वेन अ कंपाउंड लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू कंपाउंड को क्या तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं लूज कर देते हैं. अदर सब्सटेंस जैसे रिमूव हाइड्रोजन ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग डेसिकेटर पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. ट्राई कर लो ठीक है इजी है मतलब. द सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेटेड. अरे क्वेश्चन किस टाइप का है व्हाई अच्छा भाई लोगों ये तो सच लिखा हुआ है तो कोई रीजन लिखना है कोई भी सॉलिड सॉल्यूट क्यों नहीं सेपरेट किया जा सकता सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन. द सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन. सर ऐसा कहीं पढ़ा है क्या सर मेरे को तो ध्यान नहीं. अरे मुझे भी ध्यान नहीं सर फिर तो दोनों शुरू हो जाएंगे. अरे नहीं नहीं फिर तो नहीं होंगे हम पढ़ाई कर लेंगे उससे पहले थोड़ा सोच के क्या होगा ज़्यादा तो कैसे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाँ सर सॉलिड सॉलिड को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते. अच्छा देखते हैं इस वाले को तो कह रहे हैं फ्यूज फ्यूएल इज यूज इन डेसिकेटर उसमें अभी वाला पैरा फेंक देना ये मैं अभी कुछ बता रहा हूँ ये ट्राई कर सकते हो. एफर्वेसेंस इज सीन ऑन ओपनिंग ऑफ बोतल ऑफ सोडा तो देख लेना इसको. टेबल सॉल्ट बिकम स्टिकी ऑन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बता देना क्यों इसके अंदर वो एजेंट्स वाला उसके अंदर वाले कॉम्पोनेंट्स होते हैं ऑलरेडी ठीक है. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले लिख देना है ना. नॉर्मली सॉलिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओहो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पूछ रहा है या सॉलिड पूछ रहा है. सॉलिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ रहा है तो वो कह रहे नॉर्मली सॉलिबिलिटी जो ऑफ क्रिस्टलाइन होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ ठीक है. तो वो कह रहा है कि डज इट इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन ऑल केसेस के हर की तत्व है तो एक तत्व है तो एक तत्व हमेशा होते हैं एक बुक में लिखे हुए हैं ठीक है. तो क्या कह रहा है तो वो आपको बताना है कि नो ऐसा यूनिफॉर्मली नहीं होता देर सर्टन एक्सेप्शन के नाम आपको ढूंढने होंगे बुक में ये है ना. नेम ऑफ सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस रैपिडली विद टेम्परेचर ऐसा कौन सा सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ उसका नाम लिख रहे हैं आपको. बढ़ती है इसकी धीरे धीरे बढ़ती है इसकी बहुत कम बढ़ती है और बढ़ती चल रही है. और कुछ ऐसे जो इनिशियली इंक्रीज होते हैं फिर बाद में डिक्रीज होते हैं पूरा चार्ट बना होता है इसका तो ये आप आराम से कर सकते हो. ये लास्ट से लास्ट इसे अभी लास्ट वीडियो में आपको हो जाएगा. वहाँ ड्राइंग और डेसिकेटिंग एजेंट्स डिफाइन करके एग्जाम्पल्स देने हैं. कंप्यूटर द फॉलोइंग टेबल्स ये याद करके लिखनी है या तो कल ही इम्पोर्टेंट बताई थे मैंने. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल देयर बी इन सब्सटेंस में मास इंक्रीज होगा किसमें मास डिक्रीज होगा है ना. नो चेंज होगा ऐसा कोई चेंज नहीं होगा इन मास में कब जब वो एक्सपोज हों जब वैन देयर एक्सपोज हो यानी एयर में एक्सपोज करने का जरूर से कौन सा सब्सटेंस में जिनका मास या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा बिकॉज तो याद करना पड़ेगा आपको वहाँ पर फिर एग्जाम्पल जो थे वो देख लेना ठीक है. टेबल सॉल्ट में तो फर्क पड़ेगा इनका मास डिक्रीज होगा आई थिंक इंक्रीज होगा एब्जर्व करते हैं कुछ ऐसा तो ट्रैकर नहीं है तो मुझसे बताओ.
स्टेट द मेथड्स बाय व्हिच हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन एमिट एनी हैडर्स, आई थिंक ऐसा तो मैंने पूछा नहीं था कि आप कैसे किसी हाइड्रेटेड सब्सटेंस को एनी हैडर्स में बताया था, बताया था है ना। एक ये देखें सॉल्यूट कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन, ये वाला समझ में आया मेरे को, कहाँ से हम करें, ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ। प्रेशर क्या है हमारा सॉलिड का सेपरेट, सॉलिड का सेपरेट, सॉलिड का सेपरेट नहीं कर सकते फिर। आप ढूंढ रहे हैं, आपको आपको नहीं मिले ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नहीं आप ढूंढ रहे हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे बताना, फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है, आप ट्राई करके देखने एक बार, फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा, नहीं मिला तो मुझे, ठीक है।